हेपेटाइटिस हो, ठीक है, हेपेटाइटिस या फिर आरएच एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी हो, या फिर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ आरबीसी हो नियोनेट में, ठीक है, या फिर आरबीसी का रैपिड डिस्ट्रिक्शन हो रहा हो, या प्रीमैच्योर बेबी हो, ठीक है, या फिर बेबी ऑफ डायबिटिक मदर हो, या फिर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर एक्स्ट्रा वेस्कुलर ब्लड हो, जैसे कि सेफेलो हिमेटोमा की कंडीशन हो, या फिर इनएडिक्वेट जो ग्लूकोरोनाइन ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, ठीक है, वो अगर इनएडिक्वेट हो, या फिर जो बिलरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन भी इनएडिक्वेट हो, तो इन सब की वजह से नियोनेटल जॉन्डिस हो सकता है। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म ऑफ बाइल पिगमेंट, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ बाइल पिगमेंट कैसे होता है कि बिलरुबिन येलो पिगमेंट होता है जो कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके ब्रेकडाउन की वजह से बनता है, ठीक है, तो जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तब अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन जो कि लिपिड सोल्यूबल होता है वो सीरम बिलरुबिन से बाउंड होकर लीवर सेल्स में एंटर करता है, ठीक है, तो लीवर सेल में ग्लूकोरोनाइन ट्रांसफरेज एंजाइम अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन वाटर सोल्यूबल होता है जो बाद में यूरिन और बाइल के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है, ठीक है, और अडल्ट में आरबीसी का लाइफ स्पान जो होता है वो 120 डेज का होता है, और जो नियोनेट में उसका लाइफ स्पान नियोनेट में फीटल आरबीसी का लाइफ स्पान जो होता है वो 60-80 डेज का होता है, ठीक है, इसलिए नियोनेट में आरबीसी का ब्रेकडाउन जो होता है वो रैपिड होता है, ठीक है, और जो उसके बाद में बिलरुबिन कॉन्जुगेशन के बाद में बिलरुबिन जब बोल में एंटर करता है तब वहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है, बोल में आने के बाद में वो एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन जब बिलरुबिन का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो बाउल में एंटर करता है और वो बाउल में ही अनकॉन्जुगेटेड हो जाता है, ठीक है, और सर्कुलेशन में वापस एब्जॉर्ब होकर जो ब्लड में है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है बिलरुबिन का, ठीक है। इसके बाद में इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर्स, तो इसका येलोइश डिस्कलरेशन होता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, जो सेफेलो कॉर्टेक्स डायरेक्शन में होता है, मतलब हेड टू फुट डायरेक्शन में होता है येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का, ठीक है, और येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, ठीक है, और एनोरेक्सिया और डार्क कलर ऑफ यूरिन एंड स्टूल, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स, तो इसके दो टाइप्स का होता है ये जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो पहला फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है कि नियोनेट में जो लीवर इमेच्योर होता है, ठीक है, जिसके कारण ग्लूकोरोनाइन ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन रैपिड होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि नियोनेट में 2-3 दिन के अंदर जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, ठीक है, जिसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है, और कई कई नियोनेट में तो ये जॉन्डिस विजिबल नहीं होता है,
डाइट और जो टोटल बिलिरुबिन है उसका लेवल 15 एमजी पर डीएल से ज़्यादा है, ठीक है, और जॉन्डिस 7 से 10 दिन से अगर ज़्यादा रह रहे हैं तो इसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के साइन होते हैं, ठीक है। इसमें हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बीच का जो डिफरेंस है वो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है, और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे बच्चे का, और सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चेक करेंगे, दोनों एस्टिमेट करेंगे, और ABORH इनकॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट करेंगे मदर और बच्चा दोनों का, और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लेते हैं, ठीक है, और सीरम एल्बुमिन लेवल देखते हैं, HB लेवल देखते हैं, और ब्लड का pH देखते हैं, और कुंभ टेस्ट भी इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ जॉन्डिस, तो नियोनेटल जॉन्डिस के मैनेजमेंट का मेन एम जो होता है वो सीरम बिलिरुबिन को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो यदि अगर इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर BBB को क्रॉस कर जाए तो कर्निंग टेरेस भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अगर सीरम बिलिरुबिन लेवल को कंट्रोल करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट फोटोथेरेपी, तो फोटोथेरेपी में रखा जाता है बच्चे को, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू में जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन प्रेजेंट है वो फोटो ऑक्सीडाइजेशन के कारण वो टूट कर वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद में वो यूरिन और बाइल से इजीली एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। इस टेक्निक में 4-8+ की डाइट उसमें दी जाती है बच्चे को, ठीक है, और जो न्यूबॉर्न होता है उसके 45-70 सेंटीमीटर दूर उस लाइट को रखा जाता है, ठीक है, और न्यूबॉर्न के सभी जो कपड़े हैं वो हटा दिए जाते हैं, आईज को कवर किया जाता है, ठीक है, और नॉर्मली ये जो थेरेपी होती है ये 2-3 डेज तक चलती है, ठीक है, लेकिन इसमें इसका ड्यूरेशन जो होता है इसका ड्यूरेशन है फोटोथेरेपी का वो चाइल्ड की कंडीशन पे डिपेंड है, उसके बिलिरुबिन के लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद में सेकेंड है फिनोबारबिटोन, तो फिनोबारबिटोन यह लीवर सेल में ग्लूकोरोनाइन ट्रांसपोर्ट एंजाइम के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को करती है, ठीक है, जो फॉर्मेशन होता है ये एंजाइम का फॉर्मेशन होता है लीवर में उसको बढ़ाती है और बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद में एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि कभी कभी ये सीरम बिलिरुबिन के इंक्रीज लेवल को रिमूव करने के लिए मैकेनिकली जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ठीक है। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि न्यूबॉर्न के जो ब्लड होता है उसका डबल ब्लड एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। तो न्यूबॉर्न में 80-90 ml पर kg बॉडी वेट ब्लड होता है, ठीक है, और तो 160-180 ml पर kg बॉडी वेट ब्लड को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है, तो डबल एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है, और जो इसकी जो प्रोसेस होती है वो भी स्लो रखी जाती है, ठीक है। इसमें एक बार में सिर्फ 10 ml ही ब्लड एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है, और चाइल्ड में शॉक या फिर टॉक्सिक इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दिया जाता है बाद में, ठीक है। उसके बाद में साल्ट फ्री एल्बुमिन क्या होता है कि साल्ट फ्री एल्बुमिन बिलिरुबिन बाइंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यह 1 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से एडमिनिस्टर इसको किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्स को चाइल्ड को फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व
आती है, ठीक है, और किसी भी प्रकार का अगर कोई चेंज दिखता है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। और चाइल्ड की जो जनरल कंडीशन है, ठीक है, अलर्टनेस है, उसको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ठीक है, और उसके वाइटल साइंस की मॉनिटरिंग करनी चाहिए कंटिन्यूसली, और येलोइश कलर के लिए स्किन के कलर को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, और यूरिन की फ्रिक्वेंसी अमाउंट, ठीक है, और कलर को भी नोट करना चाहिए, ठीक है। और चाइल्ड के बिहेवियर में किसी भी तरह का चेंज आ रहा है तो उसको भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। और फोटोथेरेपी के दौरान बेबी के बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है बेबी बॉडी का, वो भी मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। और बिलरुबिन के एक्सक्रीशन और डिहाइड्रेशन को रोकने के